बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। डियर व्यूअर्स, आज हम बेसिक ग्रामर में लेक्चर नंबर 16A की बात कर रहे हैं। इस सीरीज़ में 16A, B और C में हम सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, करेक्ट ऑप्शंस के हवाले से बात करेंगे। तो ये हमारे जो वर्ड्स हैं वोकैबुलरी एनरिचमेंट में भी आपके लिए बहुत मुआविन होंगे। ये आपके लिए इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वोकैबुलरी डेवलपमेंट, फॉर वोकैबुलरी एनरिचमेंट। आइए इनको देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ही, पीस बी अपॉन हिम, ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड वर्ड है। ही डिवाइज द मोस्ट इक्विटेबल, इक्विटेबल के नीचे ये लाइन लगी हुई है, प्लान फॉर द सेटिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन। खान जो है संगे हजरे अस्वद को जो है रखने का जब मामला आया तो उस सिलसिले में जुमला है। ही डिवाइज, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिवाइज द मोस्ट इक्विटेबल प्लान फॉर द सेटिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन। वी हैव अवेलेबल ऑप्शंस, प्रिविलेज्ड, रीजनेबल एंड फेवरेट। तो इन तीनों में से हमने कौन सा वर्ड सेलेक्ट करना है, लेट्स हैव अ लुक, वी विल सी दैट। तो द अंडरलाइन वर्ड मींस हमें इक्विटेबल को जूम करना है अपनी अटेंशन को, तो हम देखते हैं प्रिविलेज, रीजनेबल और फेवरेट। तो बी ऑप्शन, रीजनेबल, इक्विटेबल और रीजनेबल का सेम मीनिंग है। सो दीज आर सिनोनिम्स, ये अल्फाज मुतरादिफ हैं, तो ये हमारा बी ऑप्शन दुरुस्त होगा। इक्विटेबल का मतलब है रीजनेबल, रीजनेबल इक्विटेबल के एक ही मतलब है, यानी कि मुनासिब। सेकंड सेंटेंस, ही पीस बी अपॉन हिम, पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीजीन, ही पीस बी अपॉन हिम डिसाइडेड एवरी केस ब्रॉट टू हिम बाय फ्रेंड आर फू विद जस्टिस विदाउट फियर और फेवर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुकदमात का फ़ैसला जो उनके पास उनके दोस्त या दुश्मन लेकर आते थे इंतहाई इंसाफ के साथ, बग़ैर किसी खौफ या किसी जो है वो फेवर के बग़ैर किया। तो हमने इस वर्ड फू को देखना है। पहले तो मैं इसकी प्रोनंसिएशन भी बताऊंगा कि ये वर्ड ऐसे है जैसे उर्दू लिख में लिखा हुआ है फू, फू, इसको कुछ और नहीं पढ़ना, सिर्फ पढ़ना है फू। सो फू कहते हैं दुश्मन को। आइए अवेलेबल ऑप्शंस में देखते हैं हमारे पास क्या अवेलेबल है। पहला पार्टनर, बी ऑप्शन इज कंपेनियन एंड सी ऑप्शन इज एनिमी। तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि फू का मतलब जो है वो एनिमी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। लेट्स मूव अहेड। देयर एंसेस्टर्स किल्ड अ मेंबर ऑफ अवर फैमिली, द अंडरलाइन वर्ड मीन्स एंसेस्टर का हमने जो है वो सिनोनिम देखना है, उसका लव, उसका हम मानी लव्स देखना है। अवेलेबल ऑप्शंस हैं रिलेटिव्स, फोर फादर्स एंड सक्सेसर्स। तो फोर फादर्स का मतलब होता है अबाओदाद, सक्सेसर का मतलब होता है जानशीन, जो बाद में आने वाली नस्ल के अफराद हैं वो सक्सेसर्स कहलाते हैं। जो पहले वाले लोग हैं अबाओदाद हैं, बुजुर्गवार हैं, दैट इज़ कॉल्ड फोर फादर्स। तो एंसेस्टर का मतलब भी जो है वो अबाओदाद है, और बी ऑप्शन फॉर फादर्स का मतलब भी अबाओदाद है। यही हमसे पूछा गया था कि आप जो है इसका हम मानी लफ्ज़ को तलाश करें, तो इस लिहाज से एंसेस्टर और फोर फादर्स के मीनिंग मैच कर रहे हैं, ये एक ही मीनिंग है इन दोनों के, यानी कि अबाओदाद। तो लिहाजा बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। तो डियर व्यूवर्स, आपने देखा कि आज हमने तीन वर्ड्स को डिस्कस किया, इक्विटेबल, फू और एंसेस्टर्स। हमने देखा इक्विटेबल का जो सिनोनिम था वो रीजनेबल है, फू का जो सिनोनिम है वो एनिमी है, और एंसेस्टर का जो सिनोनिम है वो फोरफादर है। तो इस तरह ये एक्टिविटी आपकी वोकैबुलरी को भी एनरिच करेगी, बढ़ाएगी, आपके एग्ज़ाम में भी आपकी मावन होगी, और ये आपके क्लैरिटी में, वोकैबुलरी को बढ़ाने में इट विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। So this was today's lecture, lecture number 16A. Thank you very much. This was Absar Ahmed on YouTube channel. Please take care of yourself and the people you're around. Allah Hafiz.